हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल समी खान एंड वेलकम टू माय चैनल समी खान जी एफ एक्स। तो आज एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही मशहूर एक जो टॉपिक है फ्रीलांसिंग के, फ्रीलांसिंग क्या है उसको डिस्कस करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फ्रीलांसिंग के हवाले से क्रिस्टल क्लियर हों। पहले तो कंपेयर कर लेते हैं फ्रीलांसिंग को कन्वेंशनल जॉब से, यानी कि नॉर्मल जो नौकरी हर बंदा कोशिश करता है करने की और बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, उसमें और फ्रीलांसिंग के अंदर क्या फर्क है। नॉर्मल जो हम जॉब करते हैं किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, वहां पर सबसे पहली जो कमिटमेंट होती है वो होती है हमारे घंटों की, हमारे आवर्स की, वक्त की। वक्त के अवर्स जो है वो हम पैसे ले रहे होते हैं। वक्त और जाहिर है कि जो जिस भी काम के लिए हम अपॉइंट किए गए हैं, स्किल्स, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला है वो 9 to 5, 8 से लेके 5 बजे, 9 से लेके 6 तक, या जो भी टाइमिंग डिफरेंट इदारों के अंदर चल रही होती है, उसके अवज हम पैसे ले रहे होते हैं। सबसे पहला जो आज़ादी आपको मिलती है वो आर्ट्स की आज़ादी मिलती है। आप अपने हिसाब से अपने घंटे तय कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट जो हमारे मुल्क में इतना आप कह लें कि आम नहीं है, सुनने में नहीं है, या प्रीच नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, वो बुनियादी कॉन्सेप्ट फ्रीलांसिंग का ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ और पागलों की तरह दिन रात फाइवर पे, अपवर्क पे लगे रहो, ना सेहत का पता ना किसी चीज़ का पता, ऐसा नहीं है। जो दुनिया जो कि बेसिकली वेस्ट है, जिसके लिए हम यहाँ से बैठ के ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, वहाँ जो फ्रीलांस का बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना, वो नंबर वन तो वही है जो यहाँ पर है। नंबर वन ये है कि आपको कोई बॉस नहीं चाहिए अपने ऊपर, आपको किसी की पैरवी नहीं करनी, किसी की बात नहीं सुननी, किसी कंपनी के कवानीन के अंदर रहकर काम नहीं करना। नंबर वन तो एक कॉन्सेप्ट है। नंबर टू बैलेंस ऑफ लाइफ है, और ख़ास तौर पे आर्ट से रिलेटेड फील्ड के लिए फ्रीलांस या फ्रीलांसिंग जो है वो एक ब्रिज है फ्रॉम कन्वेंशनल लाइफ टू द लाइफ जो कि फ्रीलांसर एक्चुअली जीना चाहता है। क्योंकि ज़्यादातर जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, चाहे फोटोग्राफी में हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हो, वीडियो एनिमेशन में हो, कॉपी राइटिंग में हो, इवन के वेबसाइट डेवलपमेंट में या वेब डिज़ाइन में या ऐप डिज़ाइन में भी जो लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं आर्टिस्ट वाली जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो थॉट प्रोसेस होता है वो उनके अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग के अंदर ये सोचते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि यार रूल्स को हम क्यों फॉलो करें, और हमेशा उनके जहन के अंदर जो है वो क्यों, और मैं ऐसा क्यों करूं, मैं डिसिप्लिन लाइफ क्यों गुजारूं, ये सवालात उनके जहन में होते हैं। तो उन लोगों के लिए जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्रोफेशनल और सोशल लाइफ का, वो फ्रीलांसिंग ही है कि वो अपनी मर्जी से अपने आर्स तय करें और उन पे काम करें, अपने फेवरेट प्रोजेक्ट उठाएं, वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम लेके चलें। अच्छा, ये एक और जो आप तीसरा कह लें कि बड़ा डिफरेंस है कि आप नौकरी के अंदर कमिट कर देते हैं अपने आप को, चाहे कोई क्लाइंट है, चाहे किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, चाहे किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आप सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं। जबकि फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो कल मैं हेयर सलून के लिए काम कर सकता हूँ, परसों मैं अपैरल मैन्युफैक्चरर के लिए काम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं शूज़ की कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ। दिस इज़ अप टू मी कि मैं किसको जाके पिच करता हूँ, कौन सा काम करने का मेरा दिल कर रहा है। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं फ्रीलांसिंग के। मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले हमें ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको समझना और जिन वैल्यूज़ के ऊपर अमल करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जब आप आगे जाएंगे तो आपको 35-40 साल की उम्र में पता चलेगा कि एक हद के बाद पैसे सब कुछ नहीं होते। हाँ, उस हद तक तो पैसे बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जब आप उस हद पर आ जाते हो कि आपके पास अच्छी गाड़ी है, घर है रहने के लिए, फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छा खाना खाते हो, बहुत अच्छा पहनते हो, उसके बाद फिर आप गाड़ी फिर और घर, वो एक लिमिट आपको कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी कि मैं कितना कमाऊं, फिर मैं बैलेंस ऑफ लाइफ कैसे करूं,
मैं फैमिली को टाइम कैसे दूँ, मैं सेहत पे, सेहत आपको पता है कि नेमत है और करोड़ों रुपए के अवज भी जो है वो सेहत आप नहीं हासिल कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को आप इन वैल्यूज़ के अराउंड अगर सर्कुलेट करेंगे, इन वैल्यूज़ को बीच में रखेंगे और फिर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत लंबा सफ़र रहेगा, जल्दी कोलैप्स नहीं करेंगे, बैलेंस ऑफ लाइफ रहेगा, थोड़ा काम करके ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये वैल्यूज़ जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। सो बुनियादी मतलब जो है वो फ्रीलांसिंग का यही है कि फ्रीलांसिंग आपको इन तमाम चीज़ों से आज़ाद करती है, वक्त की फ़िक्र से आज़ाद करती है, आपको किसी के ताबे होने से, किसी के अंडर होने से आज़ाद करती है, लेकिन साथ ही साथ वो तमाम डिसिप्लिन हमको अपने फ्रीलांस करियर में लगाने होते हैं, इन्वेस्ट करने होते हैं, उनको दरमियान में रख कर उन प्रिंसिपल्स के अराउंड काम करना होता है, तभी हमें जाके कहीं कामयाबी मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको छोटी सी डेफिनेशन फ्रीलांसिंग की समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में ग्राफिक डिज़ाइन को डिटेल में बयान करने के साथ साथ मैं पूरी की पूरी फ्रीलांसिंग की अलहदा और ग्राफिक डिज़ाइन की एक अलहदा सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको डिटेल में चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपको प्रोफेशनली डिज़ाइन में और फ्रीलांसिंग के करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।